हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा आईपीएल 2023 का क्वालिफायर वन, जो कि खेला गया बिटवीन गुजरात टाइटंस एंड चेन्नई सुपर किंग। गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया था और चेन्नई सुपर किंग के द्वारा क्या शानदार परफॉर्मेंस रहा। पहले बैटिंग करते हुए 172 रन बनाया 7 विकेट के नुकसान पर, और इस मैच में क्या शानदार जीत अर्जित किया और चेन्नई सुपर किंग आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा फाइनल खेलने वाला टीम बन गया। 10 ये इस बार लेके ये 10 बार आईपीएल का फाइनल खेलेगा चेन्नई सुपर किंग टीम। हालांकि 2016 एंड 17 सीजन में चेन्नई सुपर किंग टीम बाहर था आईपीएल फ्रेंचाइजी से ड्यू टू सम रीजन। आफ्टर दैट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहा चेन्नई के द्वारा काफ़ी शानदार रहा। बॉलिंग में क्या शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस रहा और चेन्नई सुपर किंग की तरफ से जो बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस रहा वो रहा ऋतुराज गायकवाड 60 रन एंड डेवन कॉनवे 40 रन। ये दोनों बैट्समैन चेन्नई सुपर किंग के लिए काफ़ी लकी रहा इस सीज़न। चेन्नई सुपर किंग का ये दोनों बैट्समैन बैकबोन रहा, क्योंकि अगर ऋतुराज गायकवाड़ अच्छा नहीं खेलता तो कॉनवे अच्छा खेलता है, अगर कॉनवे अच्छा नहीं खेलता तो ऋतुराज गायकवाड़ अच्छा खेलता है। इस टीम का 60% रन ये दोनों ओपनर ने ही बनाया और बाकी कोई भी बैट्समैन का द्वारा एक्सेप्ट शिवम दुबे कोई बैट्समैन इतना अच्छा स्कोर नहीं बना पाया है। दोनों ओपनिंग बैट्समैन का ही मोर देन 500 रन है दोनों का। और गुजरात टाइटन्स के द्वारा जो गलती हुआ, क्योंकि गुजरात टाइटन्स ने कोई पार्टनरशिप बिल्ड नहीं कर पाया और गुजरात टाइटन्स की तरफ से जो सबसे बेस्ट जो बैटिंग परफॉर्मेंस रहा वो रहा शुभमन गिल, जो कि 42 रन बनाए 38 बॉल पर। और एट द एंड राशिद खान ने भी काफ़ी अच्छा कैमियो खेला, 30 रन बनाए 16 बॉल पर। जब राशिद खान आउट हो गया उसका बाद मैच हाथ से टोटली निकल गया। जब तक राशिद खान था तब तक एक चांसेस था कि मैच शायद गुजरात टाइटन्स जीत पाएगा, बट राशिद खान के आउट हो जाने के बाद कोई चांसेस ही नहीं बचा। और चेन्नई सुपर किंग की तरफ से जो सबसे बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस जो रहा वो रहा रविंद्र जडेजा, इन्होंने भी मोस्ट क्रूशियल विकेट निकाला। इन्होंने डेविड मिलर जो कि पावर हिटर है उनका विकेट लिया। आफ्टर द दीपक चहर, इन्होंने भी सेट बैट्समैन शुभमन गिल का विकेट लिया, 4 ओवर पर 29 रन देकर 2 विकेट लिया। और महेश थिकसाना, इन्होंने भी 2 विकेट लिया। इन्होंने हार्दिक पांड्या का विकेट लिया। रविंद्र जडेजा, क्या सीजन रहा इनका। रविंद्र जडेजा का सीजन इस सीजन काफ़ी शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस रहा। पिछले कई सीजन का मुकाबले इस सीजन में रविंद्र जडेजा काफ़ी शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस रहा उनका, क्योंकि पिछले सीजन में ऑब्वियसली पिछले सीजन में चेन्नई सुपर किंग 9th पोजीशन पर था, बट इस सीजन में फाइनल खेल रहा है। और चेन्नई सुपर किंग जो टीम है वो सेकेंड मोस्ट सक्सेसफुल टीम है आईपीएल फ्रेंचाइजी में। मुंबई इंडियंस 5 बार टाइटल ले चुका है, चेन्नई सुपर किंग 4 बार ले चुका है। होप दिस टाइम चेन्नई सुपर किंग विल टेक द ट्रॉफी, एज वी ऑल आर होपिंग दैट धोनी, आई थिंक धोनी इस साल जो इस सीजन जो खेलेगा वो लास्ट ही खेलेगा, इसके बाद आई डोंट थिंक सो ही विल प्ले फर्दर। होप अगर ट्रॉफी जीत पाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इस मैच का जो मैन ऑफ द मैच जो रहा वो रहा ऋतुराज गायकवाड़ फॉर हिज ब्रिलियंट बैटिंग परफॉर्मेंस। होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।